कोई भी कीमती सामान रखकर भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। काम के सिलसिले में व्यापार के लिए जाते हैं, जो बात करनी है उसे भूल जाते हैं। फोन हाथ में होता है परंतु फोन ढूंढ रहे होते हैं। चश्मा आंखों पर लगा हुआ है परंतु चश्मे को ढूंढ रहे हैं। अगर आपके जीवन में ये सभी समस्याएं चल रही हैं तो आप हमारे ये उपाय करें। जब भी कुंडली के अंदर आपका लग्नेश और बुध पीड़ित होंगे, लग्नेश भी पीड़ित होना चाहिए, बुध भी पीड़ित होना चाहिए। बुध ग्रह बुद्धि का दाता है और अगर बुध ग्रह अष्टम भाव में, बारहवें भाव में या तीसरे भाव में विराजमान हो जाए और किसी पाप ग्रह के साथ, राहु के साथ, शनि के साथ या फिर मंगल के साथ, या बुध पर मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि, केतु की दृष्टि अगर पड़ जाए या युति हो जाए तो व्यक्ति की याददाश्त कमजोर हो जाती है। लग्नेश अगर पीड़ित हो जाए पाप ग्रहों के साथ या पाप ग्रहों की दृष्टि, तब भी व्यक्ति रखी हुई चीजों को भूल जाता है। ऑफिस पहुंच जाते हैं और चाबी घर में रह जाती है। तो ये हमारे दो उपाय करें, आपको विशेष लाभ होगा। पहला उपाय, हरे धागे में 41 छोटी इलायची, 41 छोटी इलायची की माला बनाएं, हरे धागे से बनाएं और छोटी इलायची की माला बनाएं। बुधवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद किसी शिव मंदिर में गणेश जी के गले में ये माला धारण करवाएं, आपको विशेष लाभ होगा। सुबह सुबह हरी घास पर चलें और सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर ध्यान लगाएं। जब भी आप ध्यान लगाते हैं तो दोनों नेत्रों के बीच मस्तक पर आप ध्यान लगा सकते हैं या किसी फोटो या तस्वीर के सामने बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। ये आप उपाय करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। जय श्री बालाजी। बालाजी महाराज आप सबका भला करें, कल्याण करें, आनंद हो।